ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसा बहुत ही भयावह है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 233 से 300 के करीब हो गई है। वहीं कम से कम 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला ट्रेन हादसा है। ये हादसा पिछले 15 सालों में देश में सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है। देश में पिछली बार 2016 में बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर में पटरी से नीचे उतर गई थी। इसमें कम से कम 150 यात्रियों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। बता दें कि 2012 में भी एक हादसा हुआ था। 22 मई 2012 को हुए रेल हादसे में एक मालगाड़ी और हुबली बैंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के करीब टकरा गई थी। ट्रेन के 4 डिब्बों के पटरी से उतरने और उनमें से एक में आग लगने के कारण लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी। 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इससे उस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 23 अगस्त 2017 को दिल्ली की ओर आ रही कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गया, जिसमें कम से कम 70 लोग घायल हुए थे। इसके बाद फिर एक दुर्घटना हुई थी जो 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 अन्य लोग घायल हो गए थे। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े रेल हादसे में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई, जबकि 900 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। आपको ये सुन के अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये हादसा अब तक के हुए ट्रेन हादसों में सबसे ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें अब तक के हुए हादसों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।